टाकी आज आपको लेके चलेगी एक दुखियारी महिला के पास, जो कि यानी इंडस्ट्री में ना बहुत कुछ कर रही है, वो बहुत कुछ अपना दे रही है, एकदम खोल खोल के दे रही है, दिल खोल के दे रही है, लेकिन उसके ना अंदर कोई समझ नहीं रहा है। उसके अंदर यानी उसके मन में, उसके मन को कोई समझ नहीं रहा है। उसका सिर्फ तन देखते हैं, आउटर देखते हैं। सब लोग उसको बोलते हैं कि सीक्रेट है। आज उसके पास हम डायरेक्ट बात करेंगे, रूबरू होंगे सपना से। अच्छा सपना बेटा, बोल क्या हो गया तेरे साथ? कुछ 2 दिन पहले अच्छा मैंने किसी चैनल वाले को, किसी ने मेरा इंटरव्यू लिया और कहा कि आपको सी ग्रेड बी ग्रेड कहते हैं, आयुष्य पर तो महेश भट्ट जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? यानी सपना ने अपनी तोप डायरेक्ट महेश भट्ट के पिछवा जाने दे। जो मैं करती, जो मेरी फिल्में होती है, मेरी फिल्में तो बिकनी, ग्लैमर, किसिंग और बैड सीन इस टाइप की होती है, तो उनकी भी तो वैसी होती है। ये भी हो रहा और है मैंने उस वक्त ये स्टेटमेंट दे दिया, क्या हमारे इंडिया में लाखों लड़कियां इतनी स्ट्रगलर, एक से खूबसूरत, ग्लैमर, बोल्ड सीन करने को तैयार हैं, तो इन साहब ने, इनको इतनी ज़रूरत आन पड़ी कि सनी लियोन जैसी पॉर्न स्टार, जो सॉरी मैं थोड़ी लैंग्वेज बोलना चाहती हूँ, बोल सकती हूँ? ये है कि तू परमिशन मांग रही है इस लैंग्वेज बोलने का? कार के बजाऊंगी मैं, नहीं बोलने का इधर, सिर्फ मेरे को परमिशन है कुछ भी बोलने का। ठीक है ठीक है, नहीं बोलूँगी। सनी लियोन जैसी पॉर्न स्टार, उसको लेके फिल्म बना रहे हैं, अपने हिंदुस्तान में फिल्म रिलीज़ करने जा रहे हैं, तो मैं ये कह रही हूँ कि उन लाखों लड़कियों का क्या होगा जो उनके फिल्म में काम करना चाहती है? क्या उन लाखों लड़कियों को पहले पॉर्न सीखना पड़ेगा, फिर इनकी फिल्म में काम मिलेगा? आई शपथ एकदम करेक्ट बात बोलिया। पॉन सीखने करेगा ना तो इंस्टीट्यूट खोलना पड़ेगा, और वो इंस्टीट्यूट खोलने का काम भी मेरे को लगता है महेश जी करेंगे। सही सही जा रही है तू। वीना से तेरा क्या प्रॉब्लम है? उससे उसने तेरी कौन सी तार छेड़ी? यहाँ क्या कर रही है? इंडिया में ब्लैक मनी कमा रही है, हमेशा कैश में पैसा लेती है, और उसको यहाँ पे इतना अच्छा ट्रीट किया जाता है। क्या कुछ कमी है क्या हमारे हिंदुस्तान की एक्ट्रेसेस में? जो महेश भट्ट साहब ने एक पॉर्न स्टार को लेके फिल्म बनाई, मुझे वो लोग कहते हैं सी ग्रेड, मैंने लिसन, मैंने बिकनी तक पहनी है, लेकिन उसके जैसे काम नहीं किए जो आजकल कंप्यूटर पे 6 6 7 7 साल के बच्चे भी ना सिर्फ टाइप कर देते ना वेबसाइट, उनको देखने को मिलता है कि सनी आंटी क्या क्या गुल खिलाती है। कम से कम सपना आंटी तो नहीं गुल खिलाती है ना? सपना आंटी ने कितने गुल्लू को खिलाए होंगे, गुल खिलाए होंगे मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन सपना तू माइक जरा बाजू में आता है ना तो मेरा रेटिंग बढ़ रहा है। मैंने सुना तेरे को धमकी उमकी आई है। अभी भी थोड़ी देर पहले भी आया, वो आ ही रहे परसों से, और मैं क्या बॉदर नहीं करती हूँ, मुझे कहा कि अपने बॉडी पे बहुत घमंड है। तेरे को उठाने की बिठाने की बात कर रहे है क्या? तो सीक्रेट की आर्टिस्ट से तुझे अपने बॉडी बॉडी पे बड़ा घमंड है? जो वीना मलिक के लिए ऐसे स्टेटमेंट दिया है, सर्जरी ये वो दिया नहीं है मैंने, मैंने सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात की है। ओए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करना सिर्फ सानी को अलाउड है, और किसे नहीं? ठीक है नहीं बोलूंगी। मुझे पता नहीं पीसीओ से लोकल गुजरात दिल्ली यहाँ गोरेगांव में कॉल बैक करती हूँ तो पता लगता पीसीओ है। मुझे कहा कि आपको बहुत घमंड है, आप नेट पे आपके बिकनी बोल्ड फोटोज डाल रही हो, तो तेरे को तेरी बॉडी पे बहुत घमंड है जो वीना के लिए ऐसा कहा? एड़ी तेरे को जिस ऐसे फोन आते हैं और ऐसे सब लोग बोलते हैं कि तू नीचे आ, तेरे को दिखाती हूँ, और तू एड़ी के जैसे नीचे जाके खड़ी भी रहती है। तेरे बॉडी का बम्पर, हेडलाइट सब ढीला करके छोड़ेंगे, तेरे को मालूम नहीं, ऐसी डिक्की खोलेंगे ना तो तू है ना कभी बंद नहीं कर पाएगी डिक्की, मालूम है? वो लॉक ही निकाल के रख देते हैं, ऐसे एड़े लोग हैं। ये 2.5 किलो का हाथ है, एक बार उठता है तो आदमी उठ जाता है। उठता नहीं आदमी का, उठ जाता है एड़ी, और रात में फिर कूद के आता है वही आदमी, कूद कूद के। अच्छा सपना मेरे को एकदम बोल, है ना महेश भट्ट अगर समझो लुंगी पहन के तेरे सामने आ गए तो क्या करेगी? महेश भट्ट मुझ पे उठाएंगे तो मैं उनकी आरती तो नहीं उतारूंगी। अरे क्या बोल रही एड़ी जंग लगी हुई पिस्तौल के पीछे क्यों पड़ी है, महेश भट्ट के पीछे क्यों पड़ी है तू? क्या कुछ कमी है क्या हमारे हिंदुस्तान की एक्ट्रेसेस में? जो महेश भट्ट साहब ने एक पॉर्न स्टार को लेकर फिल्म बनाई, क्या मैसेज है? मसाज देना चाहती है, मैसेज देना चाहती है, जो है वो एकदम खुला बोल। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सी ग्रेड बी ग्रेड ये टॉपिक्स आने नहीं चाहिए, क्योंकि जो मैं करती हूँ वो आप लोग भी करते हैं, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस करती हैं, आपके वजह से सबका नाम हुआ है। आपका नाम हट गया ना कोई पूछेगा नहीं इन लड़कियों को। अच्छा